हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरबीज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की 10 हिंदी डब फिल्मों के बारे में, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आपको इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स देखने, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लेना। आज की इस वीडियो में मैंने अपनी और आपकी फेवरेट टीवी सीरीज़ वाइकिंग को भी लिया है। तो वाइकिंग के कौन कौन से एपिसोड और कौन से नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो पर आगे तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है वेनम। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 20 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में लाइफ फाउंडेशन के CEO को हटाने की कोशिश में एडी एक पत्रकार अनजाने में एलियन के साथ विलीन हो जाता है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपको साइंस फिक्शन फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 10वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है पिक्सल्स। दोस्तों, मूवी 2015 में आई थी, एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम 1 आवर 46 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.5 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में 80s के समय के गेम के करेक्टर रियल लाइफ में आ जाते हैं। अब सैम उनसे कैसे निपटता है, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइज, ये फिल्म गेम पर बेस्ड मूवी है और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आप इस फिल्म को जरूर देखना, ये फिल्म आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 9वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है एक्सल। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 40 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.3 की रैंक मिली हुई है। गाइज, इस फिल्म में माइल्स एक रोबोट लड़ाकू एक्सल से दोस्ती करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक्सल के क्रिएटर उसे ढूंढने के लिए आते हैं। तो फिल्म में आगे क्या होता है, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म काफी अच्छी है। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 8वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है कैबिन इन द वुड्स। दोस्तों, मूवी 2011 में आई थी, एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 41 मिनट। गाइज, इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में 5 कॉलेज फ्रेंड वैकेशन पर फॉरेस्ट कैबिन पर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब कौन सी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 7वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है सुपर कॉलीडर। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 24 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 3.5 की रैंक मिली हुई है। गाइज, इस फिल्म में डॉक्टर विक्टर की स्टोरी को दिखाया है। इस फिल्म में आपको वो सीन देखने को मिल जाएगा जो टर्की लोग देखना चाहते हैं एक फिल्म में। तो फिल्म की स्टार्टिंग में आपको वो सीन देखने को मिल जाएगा और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 6वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है लास्ट नाइट। दोस्तों, मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 55 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में रेडन एक योद्धा स्मॉल आर्मी को लीड करता है। अब किसके खिलाफ करता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस, फिल्म काफ़ी अच्छी है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 5वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है सर्वाइवर। दोस्तों, मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 36 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.6 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में एक विदेशी सर्विस ऑफिसर अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, उसे वो बेगुनाह साबित करवा पाता नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आपको इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 4वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है इंसीडियस लास्ट की। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 43 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.7 की रैंक मिली हुई है। गाइज, अगर आपको एक हॉरर फिल्म देखनी है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जहाँ पर भी हॉरर फिल्मों की बात होती है, इस फिल्म का नाम जरूर आता है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है मौज इन दी वान वैले। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 50 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.8 की रैंक मिली हुई है। गाइज, अगर आपको चाइनीज फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। काफ़ी अच्छी एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 2रे नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 1रे नंबर पर आती है मेरी फेवरेट टीवी सीरीज में से एक वाइकिंग। दोस्तों, वाइकिंग मेरी फेवरेट टीवी सीरीज है। काफ़ी अच्छी टीवी
टीवी सीरीज है। अगर आपको एंशिएंट वार टीवी सीरीज देखना पसंद है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज़ का मैं आपको सीजन 1 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का लिंक दे दूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सीरीज़ के और एपिसोड के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। इस सीरीज़ के अभी और भी पार्ट आएंगे, वो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।